हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। तो मैं सकते रहे वीडियो, और जैसा कि आपने गाइज में देखा है कि जी हाँ, मैं सबसे पहले बता दूं कि COD अवेलेबल है। तो COD टर्म एंड कंडीशंस हैं, तो वीडियो को लास्ट दिन तक आप जरूर देखिएगा। मैं पूरा वीडियो को डिटेल देने वाला हूँ कि कैसे क्या इस वीडियो में होने वाला है। तो चलिए सबसे मैं इंट्रोडक्शन करा दूँ कि आप जब भी प्राइस पूछेंगे तो आपको पूछना है 221 या 254 की कैटेगरी। तो मेरे पास दो कैटेगरी के स्क्रैप मिलेंगे, सब अलग अलग छाटे हुए। ये बोर्ड आपको सील्डेड मिलते हैं, 90% सील्ड रहता है, 10% होता है जो आपको सील्डेड ना मिले। तो ये बोर्ड की कंडीशन देखें, मैं किसी की भी बोर्ड अगर उठाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पे 90%। तो ये देख सकते हैं 254 के कैटेगरी वाले बोर्ड्स हैं। पहले आप बोर्ड की कंडीशन देख ले, फिर मैं COD के बारे में भी बताता हूँ कैसे क्या करना है। तो देख सकते हैं ये बोर्ड ब्लैक पेस्टर्ड, जो भी लेटेस्ट सारे मॉडल लेटेस्ट आएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड की हालत, आप देख सकते हैं पूरे यहाँ पे। पहले बोर्ड को पूरा आप देखें, स्क्रैप का मतलब पहले आप समझें, स्क्रैप का मतलब पहले आप पूरी तरीके से समझ लें, उसके बाद ही आगे ऑर्डर दें। स्क्रैप का मतलब होता है गाइस IC पर्पज़, जैसे पावर IC, रिंगर IC, ऑडियो IC, नेटवर्क IC, WTR, वाईफाई और सारी IC कनेक्टर। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टर यूज़ करना है तो स्क्रैप बोर्ड इसी को बोलते हैं। जैसे आप पावर यूज़ कर सकते हैं, कनेक्टर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे पार्ट्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो स्क्रैप बोर्ड्स होते हैं ना, ये IC पर्पज़ होते हैं, नॉट अ स्वैपिंग। तो गाइज ये देख सकते हैं इसकी कंडीशन, मैं अगर बोर्ड की उठाऊँ देख सकते हैं सारा सील्डेड ही मिलेगा आपको यहाँ पे। तो दो कैटेगरी के बोर्ड हैं, 254 और 221। तो ये आप जितना भी आप देख पा रहे हैं, और अंदर भी स्टॉक है और यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं, ये सारा आपको मिलेगा 254 के कैटेगरी में। देख सकते हैं 90% सील्डेड ही रहता है, 10% ही अनसील्डेड रहता है। देख सकते हैं बोर्ड की कंडीशन आप। तो आपको पूछना है प्राइस 221 या 254 की प्राइसिंग पूछना है। तो चलिए मैं आपको 221 भी दिखा देता हूँ। तो गाइस ये 221 का भी स्टॉक देख सकते हैं, इसमें आपको सारे रनिंग मॉडल मिलेंगे। देख सकते हैं जैसे 8A, 7A, यहाँ पे देख सकते हैं वीवो के, ये देख सकते हैं ब्लैक हार्ट। तो ये देख सकते हैं पूरे बोर्ड आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ना गाइस, ये रियलमी के, ओप्पो के सारे मॉडल यहाँ पे मिलेंगे, देख सकते हैं वीवो के। तो ये 221 के कैटेगरी में, इसकी भी कंडीशन आप देखिए, BJ 221 के कैटेगरी में। तो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये देख सकते हैं मैं बोर्ड कैसा दिखा रहा हूँ आपको, ये देख सकते हैं ओप्पो के, यहाँ पे देख सकते हैं सारे सील्डेड है, 90% सील्डेड ही रहते हैं। तो यहाँ पे आपने आई होप इस बोर्ड की डिटेलिंग आप समझ गए होंगे गाइस, बहुत बड़ी वीडियो नहीं है। तो ये आपको जब भी मैसेज करना है तो बोलना है 254 और 221 की कैटेगरी में। देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड की कंडीशंस। तो आप चलिए अब आप इसको समझ गए होंगे क्या कैसा फंडामेंटल है। तो चलिए मैं आपको अब डिटेल देता हूँ गाइस कि COD के बारे में। तो COD के बारे में आपको डिटेल देना चाहता हूँ कि COD में आपका जो भी जितने अमाउंट रहेगा उसका COD चार्ज लगेगा। COD चार्ज आपको पहले देना होगा। इस वीडियो को मैं पहले ही बोला था कि लास्ट दिन तक आप देखिएगा, नो डाउट आपका जितने का भी ऑर्डर होगा, 2000, 10000, 5000, 20000 जितने का भी आपका ऑर्डर होगा, COD हो जाएगा। बट COD चार्ज पहले देना होगा। क्यों देना होगा गाइस? कि क्या होता है कि आप मंगा लेते हैं, हो सकता है आप रिसीव ना कर पाए, जैसे आप डरते हैं कि हमने ऑर्डर कर दिया हमारे पास सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आपको COD चार्ज पहले देना है। अगर एग्री होते हैं तभी आप मुझे मैसेज करें, दिए गए नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा, तो तभी आपको मैसेज करना है गाइस। नहीं तो देखिए आपका 10000 का बनना है, जो भी COD चार्ज होगा वो आपको पे करना हो। क्या होता है कि अगर आपने रिसीव नहीं किया तो वो मुझे जाने का और आने का दोनों का चार्ज मुझे लग जाता है। तो गाइस आप वीडियो को पूरा लास्ट तक आपने देखा है तो मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी COD चार्ज आपका बनेगा वो आपको पहले पे करना होगा, उसके बाद आपको ये डिलीवर हो जाएगा। स्लिप मिलेगा, बिल मिलेगा, हर एक चीज़ यहाँ पे मिलेगा। तो बोर्ड की कंडीशन आप समझ गए होंगे आई होप। तो ये पूरे स्क्रैप बोर्ड है, मैं फिर से ये पूरे वीडियो को कंप्लीटली दिखाया हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैसेज करिए।